मियाँ का मैडम एक बार फिर से आ रहा है दर्शकों के सामने और इसके स्टारकास्ट ने जूम से इस नए सीजन के बारे में की खास बात। इस मंजर तक पहुंचने के लिए बहुत चीजों से पार करके आप एक सिचुएशन तक पहुंचते हो, मतलब मे आई कम इन तक पहुंचने के लिए हर आर्टिस्ट का अपना एक स्ट्रगल रहा है, अपनी एक जर्नी रही है, अपना एक इतना सब पार करने के बाद जब वो चीज़ लोग रजिस्टर करते हैं, उसे पसंद करते हैं और शो ख़त्म होने के बाद भी पैंडेमिक में भर भर के उसके जब मीम्स होते हैं, इतना सब होने के बाद कहीं तो आपको लगता है कि इट वॉज़ वर्थ इट। क्योंकि किसी भी डेली सोप में काम करना आसान नहीं होता, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सेहत, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज आप डेली कर रहे हो, आप अपने शो को अपने लाइफ से पहले रखते हो, क्योंकि दैट इज़ द नेचर ऑफ द मीडियम। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आज मेरा मम्मी के साथ झगड़ा हो गया, मैं 2 घंटे लेट आऊँगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3 घंटे लेट आऊँगी। आपको हर वक्त आपके शो का ख्याल पहले रखना है, तो और ये सारे सैक्रिफाइसेस हैं जो हर कोई कर रहा है, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, टेक्नीशियन कर रहा है, हर कोई कर रहा है। तो इतना सब होने के बाद जब आपको याद रखा जाता है, इट इज़ द मोस्ट सैटिस्फाइंग रिवॉर्ड। तो इतना सब होने के बाद जब ये होता है, उसके बाद आपको सेकेंड सीजन का मौका मिलता है, तो आपको लगता है कि चलो यार, इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट। तुषार कालिया का लेटेस्ट शर्टलेस वाला सुपर हॉट अवतार। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कोरियोग्राफर एंड डांसर तुषार कालिया, जिन्होंने रियलिटी शो KKK 12 का खिताब अपने नाम करके फैंस के दिलों में बनाई अपनी खास पहचान। तुषार इज टोटली फिटनेस फ्रीक, यही वजह है कि तुषार अक्सर अपने सोशल हैंडल पर फ्लॉन्ट करते रहते हैं अपनी फिट बॉडी। वहीं अब तुषार ने अपने सोशल हैंडल पर एक बार फिर से शेयर किया है मालदीव से अपने लेटेस्ट पिक्स, जिसमें तुषार ने दिखाया है अपना लेटेस्ट शर्टलेस अवतार। टेक अ लुक। इन पिक्स को अपने सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए तुषार ने कैप्शन में लिखा, जस्ट अ पूल जंप। क्या CID आ रहा है वापस? क्या एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर CID को देखा जाएगा? Well, हाल ही में अनूप सोनी ने अपने सोशल हैंडल पर एक पिक पोस्ट की, जिसमें अनूप के साथ शिवाजी साटम और दया भी थे। लेकिन आपको बता दें कि ये CID के लिए नहीं था, बल्कि था एक एड शूट। अनूप ने इसे क्लियर भी कर दिया। अनूप ने लिखा, इट वॉज सो लवली टू मीट साटम साहब एंड दया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शॉट फॉर एन एड फिल्म टुगेदर। फिर क्या था उसके बाद, अनूप का कॉमेंट बॉक्स भर गया।